दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी साल के 29 अप्रैल को एक विशाल एस्टेरॉयड यानी उल्का पृथ्वी से कुछ दूरी से पार हो गया था, जिसका नाम था 1998 OR2। तब यूट्यूब इंडिया पर हजारों वीडियोस अपलोड हुए थे कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी इत्यादि इत्यादि, और मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों से कहा था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नासा के वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं था और कुछ हुआ भी नहीं। वो एस्टेरॉयड सेफली अर्थ से 63 लाख किलोमीटर दूरी से निकल गया था। लेकिन अब फिर से यूट्यूब इंडिया में तहलका मचा हुआ है कि इसी महीने यानी जून में दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी महीने यानी जून में फिर से एस्टेरॉयड आ रहे हैं धरती के तरफ। तो फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को सच्चाई बताने के लिए, तो कृपया इस वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123। तो क्या ये बात सच है कि जून 2020 में भी कोई एस्टेरॉयड आ रहा है धरती के तरफ? तो जवाब है हाँ, और इस बार एक नहीं बल्कि 3 बड़ा एस्टेरॉयड आ रहा है धरती के तरफ। दोस्तों पैनिक मत होइए, आराम से इस वीडियो को देखते रहिए। मैं नासा के वेबसाइट में जाकर आप लोगों को सही जानकारी दे दूंगा कि कितना खतरा है। दोस्तों ये साल 2020 सच में बुरा साल है। एक तो ये महामारी ही सभी के 2020 को खराब करने के लिए पर्याप्त थी कि इसी वर्ष में भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर चक्रवात सहित कई घटनाएं देखी गई। साथ ही टिड्डी के विशाल झुंडों ने भी वर्तमान में भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। तभी 29 अप्रैल 2020 को भी एक पर्वत जितना बड़ा उल्का आके पृथ्वी के पास से गुजर गया। उस आफत के गुजरे एक महीने हुआ ही था कि अब जून 2020 में 3 उल्काएं ना जाने कहां से आ धमके हैं। मुझे पहले तो लगा कि यह खबर झूठी है, क्योंकि TRP बढ़ाने के लिए आजकल कोई भी कुछ भी लिख देता है या दिखा देता है। पर जब मैंने नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस खबर की पुष्टि की तो मुझे पता चला कि 3 नहीं बल्कि 25 एस्टेरॉयड है जो जून 2020 में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले हैं। और एक तो आज जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ यानी 4 जून को ही पार हो गया, और एक एस्टेरॉयड कल यानी 5 जून को जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब पार होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं ये नासा के NEO यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का ऑफिशियल वेब पेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ उल्काएं तो जुलाई 2020 में भी गुजरेंगे, लेकिन न्यूज़ में सिर्फ 3 उल्काओं का जिक्र किया गया था। ये इसीलिए क्योंकि 3 बड़े उल्काओं से ही हमें खतरा हो सकता है और छोटे उल्काओं से हमें खतरा नहीं है। छोटे उल्काएं साधारणतः पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में जलकर या विस्फोट के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जो 3 उल्काओं से हमें खतरा हो सकता है उनमें से जो सबसे नज़दीक है उसका नाम है 16348-2002NN4 जो 6 जून को पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इस उल्का का डायमीटर है 570 मीटर की, मतलब लगभग 5 फुटबॉल पिचों की लंबाई जितना, या फिर दुनिया की छोटी सबसे ऊंची इमारत दुबई का एंटीसार टावर जितना। इतना बड़ा उल्का अगर पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाए तो जलकर ख़त्म नहीं होगा और धरती से 100% टकरा जाएगा। लेकिन दोस्तों डरिए मत, ये 6 जून को जब धरती के पास से गुजरेगा तब उसका पृथ्वी से दूरी होगा लगभग 51 लाख किलोमीटर, जो पृथ्वी और चांद के दूरी का 13 गुना ज़्यादा है। तो 6 जून को कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी चलिए नासा के वेबसाइट पर जाके ऑर्बिट डायग्राम देख लेते हैं कि ये उल्का पृथ्वी के पास से कैसे गुजरेगा। ये देखिए, ये रहा 2002 NN4 उल्का और ये रहा पृथ्वी। दोनों आगे बढ़ रहे हैं एक टकराव की बिंदु की ओर, पर जिस बिंदु पर टकराव होता उस जगह से ये उल्का 28 मई को ही गुजर गया। यहाँ देखिए डेट 28 मई 2020, और पृथ्वी वहाँ पहुँचा 31 मई को, और 6 जून को उन दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होगी। अब चलते हैं उसके बाद आने वाले उल्का के तरफ। उसका नाम है 2013 XA22 जो 8 जून को पृथ्वी के पास से गुजरेगा, पर इसका दूरी 2002 NN4 की तुलना में काफ़ी करीब होगा, यानी ये उल्का 29 लाख किलोमीटर दूरी से पार होगा।
और इसका डायमीटर है 160 मीटर की, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई से भी ऊंचा। इतना बड़ा उल्का अगर पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाए तो जलकर ख़त्म नहीं होगा और धरती से 100% टकरा जाएगा, लेकिन ये भी 29 लाख किलोमीटर दूरी से पार हो जाएगा 8 जून को। अब चलिए नासा के ऑर्बिट डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा 2013 XA22 उल्का और ये रहा पृथ्वी। दोनों आगे बढ़ रहे हैं एक टकराव की बिंदु की ओर। इस बार पृथ्वी आगे आगे है और उल्का पीछे पीछे आएगा, और 7 जून को पृथ्वी जिस बिंदु पर होगा उसी बिंदु पर सिर्फ एक दिन बाद ये उल्का होगा। मतलब अगर ये उल्का थोड़ा तेज़ी से आता तो टकराव हो जाता 7 जून को ही, पर 8 जून को वो उल्का वहाँ पहुँचेगा, तब तक पृथ्वी थोड़ा आगे निकल चुकी होगी। इसके बाद वाला उल्का आएगा 24 जून को, उसका नाम है 441987 2010 NY65। इस उल्का का डायमीटर है 310 मीटर की, मतलब आईफेल टावर जितना ऊंचा। ये भी पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाए तो जलकर ख़त्म नहीं होगा और धरती से 100% टकरा जाएगा, लेकिन ये भी पृथ्वी से 37 लाख किलोमीटर दूरी से पार हो जाएगा। लेकिन इसका भी नासा के ऑर्बिट डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा 2010 NY65 उल्का और ये रहा पृथ्वी। इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कार ट्रेन लाइन को क्रॉस कर रहा है और टकराते टकराते बच गया। जी हाँ, देखिए दोस्तों, दोनों उल्का और पृथ्वी एक ही स्पीड में आगे बढ़ेंगे और 24, 25 और 26 जून को पृथ्वी आगे आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको अभी सब कुछ पता चल चुका है प्रूफ के साथ, और अभी से दूसरे वीडियोस देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को जल्दी से सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि 6 जून और 8 जून की सच्चाई सभी लोग जान पाए और खामखा डरे ना। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोडेड है। धन्यवाद।